सुमेर और अर्जुन दोनों सगे भाई थे। सुमेर बहुत ही चालाक स्वभाव का था और उसकी पत्नी भी उसी की तरह चालाक स्वभाव की थी और अर्जुन और उसकी पत्नी बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। पिता के गुजर जाने के बाद सारी जमीन और खेत सुमेर ने हथियार लिए थे और अर्जुन को छोटी सी बंजर जमीन दे दी। देख अर्जुन, अब ये मत कहना कि पिताजी के गुजर जाने के बाद मैंने तुझे कोई जमीन नहीं दी। पिताजी ने यही जमीन तेरे नाम में लिखी थी और ये मैंने तुझे दे दी। भैया, आप जो मुझे वो जमीन दे रहे हैं वह तो बंजर है, उस पे तो खेती करना नामुमकिन है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जो पिताजी ने तेरे नाम में लिखी थी वह मैंने दे दी, और अगर तुझे यकीन ना हो तो सारे गाँव वालों को बुलाकर तुझे यकीन दिलाऊं। नहीं नहीं भैया, आप ये सारे खेत रख लीजिए, मुझे जो पिताजी ने आशीर्वाद के रूप में दिया है वह ही मेरे लिए काफी है, अब मैं चलता हूँ। अर्जुन सीधा साधा था, वह अपने बड़े भाई की जाल में फंस गया और चुपचाप घर वापस आ गया। घर आकर उसने सारी बात अपनी पत्नी लता को बताई। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, पिताजी ने हमें जो भी अपने आशीर्वाद में दिया है हम उसी पर मेहनत करेंगे। आप और मैं मिलकर मेहनत करेंगे और उस बंजर जमीन में भी अपनी फसल उगाएंगे, और जो मेहनत करते हैं इस बार भी सदैव उन्हीं के साथ होते हैं। अगले दिन से लता अर्जुन के साथ खेत पर जाने लगी और वह दोनों मिलकर खूब मेहनत करते और खेतीबाड़ी करते। उन दोनों को मेहनत करता देख सुमेर मन ही मन हंसता था। जितनी मर्जी मेहनत कर लो मगर इस बंजर जमीन पर कुछ नहीं उगने वाला, धान की फसल तो मेरे ही खेत में उगेगी। सुनो जी, आप सुबह से लगातार काम करने जा रहे हैं, अब थोड़ी देर आराम कर लो, थोड़ी देर बाद काम कर लेना। लता, मन बहुत घबरा रहा है, क्या हम इस बंजर जमीन पर फसल उगा पाएंगे? बिल्कुल जी, तुम चिंता क्यों करते हो, जब मैं आपके साथ हूँ तो क्या आपको चिंता करने की कोई जरूरत महसूस हो रही है? नहीं लता, तुम तो मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, तुम्हारे कारण ही मैं इस बंजर जमीन पर आज फसल उगाने के बारे में सोच पाया हूँ। लता और अर्जुन मिलकर मेहनत करने लगते हैं, वे दिन रात उस पर मेहनत करते और उनकी मेहनत रंग लाई, बंजर जमीन पर धान की फसल बहुत ही अच्छी हुई। लता देखो, हमारी मेहनत भी सफल हुई, हमारे खेत में भी फसल उगाई। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं जी, मैं तो ये सब देखकर बहुत खुश हूँ। बस कुछ दिनों की बात है फिर ये फसल पककर तैयार हो जाएगी, हम भी इसे बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। धान की फसल देखकर अर्जुन और लता बहुत खुश होते हैं, उनकी मेहनत रंग ले आती है। उधर सुमेर का ध्यान अर्जुन के खेत पर ही था, उसने सोचा, अरे बड़े दिन हो गए, देखकर तो आऊं अर्जुन ने उस खेत पर क्या किया है, अब तक तो वो थक हार कर घर बैठ भी गया होगा। ये क्या, ये कैसे हो सकता है, इस बंजर जमीन पर फसल कैसे उग सकती है, इस बंजर जमीन पर आखिरकार इसने फसल कैसे उगा ली? मालिक, अर्जुन की पत्नी ने अर्जुन का इस काम में बहुत साथ दिया है, दोनों ही दिन से रात तक खेतों में मेहनत करते रहते थे। हाँ तो तुम सब क्या करते हो, खेत में बैठकर चिड़िया उड़ाते हो? आज के बाद अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो किसी को फूटी पौली नहीं देने वाला हूँ मैं, समझ आया तुम दोनों को? अब दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। नालायक कहीं के किसी काम के नहीं हो। क्या हुआ नौकरों पे इतना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो सुबह सुबह? तुम्हें पता नहीं है मधु, अर्जुन और लता ने मिलकर कुछ बंजर जमीन पर फसल उगा ली है और अपने खेतों में कुछ काम नहीं हुआ है, ये सारे नौकर कामचोर हैं, मैं इन्हें एक रुपया नहीं देने वाला हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा, इन नौकरों को कैसे सीधा करना है मुझे आता है। एक दिन लता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। आज तो फसल काटने जाना था लता, चलो तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। तुम अकेले इतने सारे धान कैसे काट लोगे जी? तुम चिंता मत करो, मैं सारा काम निपटा दूंगा और शाम तक घर वापस आ जाऊंगा। अर्जुन धान काटने के लिए खेत पर निकल पड़ता है। आज तो बादल भी बने हुए हैं और बिजली भी कड़क रही है, अगर बारिश पड़ गई तो मेरी धान की फसल सारी खराब हो जाएगी। अरे ये तो बहुत तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, बारिश रुकने तक का इंतजार करना होगा, उस पेड़ के नीचे जाता। अर्जुन बहुत देर तक पेड़ के नीचे खड़ा रहता है लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तभी वह पेड़ के नीचे एक नाग को देखता है और घबरा जाता है। अरे नाग, ये यहाँ कैसे? मैं नागराज हूँ और मैं इस पेड़ पर रहता हूँ, तुम यहाँ चोरी करने आए हो, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। नागराज मुझे छोड़ दो, मैं तो यहाँ अपनी फसल काटने के लिए आया था। अर्जुन का पैर फिसल जाता है और वह गड्ढे में गिर जाता है, डर से अर्जुन बेहोश हो जाता है। इतनी देर में नाग के ऊपर पेड़ की एक भारी टहनी गिर जाती है जिसके नीचे नाग दब जाता है। उधर लता रात होती देख अर्जुन की चिंता में परेशान हो रही थी। यह तो अभी तक नहीं आए, रात होने वाली है और बारिश भी बहुत तेज है, अब मैं क्या करूं? बड़े भैया से मदद मांगती हूं। इतनी रात को इतनी जोर जोर से कौन दरवाजा कूट रहा है, जरा देखूं तो। लता इतनी रात गए, तू इतनी जोर जोर से दरवाजा क्यों पीट रही है, क्या हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या लता? भैया ये सुबह के गए हुए हैं और अभी तक घर वापस नहीं आए, उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है, क्या आप उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? तूने हमें पागल समझ रखा है क्या, ये इतनी रात में तेरे साथ नहीं जाएंगे, जा खुद ढूंढ ले अपने पति को जाकर। चलो जी दरवाजा बंद करो, नींद आ रही है। तो मैं कौन सा इसके साथ जा रहा हूँ, मेरे पास खाली समय नहीं है और मैं रात में तुम्हारे पति को ढूंढूंगा, मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या, जाओ यहाँ से। अब मैं क्या करूँ, मुझे अकेले ही इनको ढूंढने के लिए जाना होगा, हे ईश्वर मेरी सहायता करना है। लता अर्जुन की तलाश में निकल पड़ती है, वह ढूंढते ढूंढते पेड़ के उस पास जाती है। ये क्या नाग देवता इस टहनी के नीचे दबे हुए है? अरे अरे रुकिए, मैं इस टहनी को हटाती हूँ। आज तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं नागराज, ये तो मेरा फर्ज था,
आप मुसीबत में थे इसीलिए मैंने आपकी जान बचाई। मैं तो अपने पति को यहाँ ढूंढने के लिए आई हूँ। वह सुबह के निकले हुए थे, वह फसल काटने के लिए आए थे लेकिन घर वापस नहीं पहुँचे। अच्छा, उस गड्ढे में झाको, एक बार देखो वह तुम्हारे पति तो नहीं है। हाँ नागराज, यही मेरे पति हैं, लेकिन ये गड्ढे में कैसे गिर गए? सुनो जी, आप गड्ढे में कैसे हैं? रुको, अभी मैं आपको बाहर निकालती हूँ। लता एक टहनी की मदद से अर्जुन को बाहर निकाल लेती है। लता, तुम्हें तो तेज बुखार था, तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हारी इतनी तबीयत खराब थी फिर भी तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। मुझे चिंता हो रही थी जी, इसीलिए मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। आप अब सही सलामत हो, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है। तुम दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे हो, तुमने आज मेरी सहायता की है। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ, तुम दोनों मेरे साथ आओ। नागराज अर्जुन और लता को उस गड्ढे के अंदर ले जाता है। उस गड्ढे के अंदर नागराज का खजाना था, उसमें ढेरों असरपियाँ और बहुत कीमती चीजें थी। मैं इस खजाने की बरसों से रखवाली कर रहा हूँ, तुम चाहो तो जितना खजाना ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया नागराज, हमें थोड़ा सा ही खजाना चाहिए, हम इतने खजाने का क्या करेंगे। नागराज, धन तो जितना हो उतना ही कम है, हमें थोड़े से में ही अपने आप को संतुष्ट रखना चाहिए। हम दोनों के लिए थोड़ा सा खजाना भी बहुत है। तुम दोनों वाकई में ही बहुत ईमानदार और विश्वसनीय हो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अर्जुन और लता असरपियों का एक घड़ा लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। जब यह बात सुमेर को पता चलती है तो वह अर्जुन के घर पहुँचता है। ए जल्दी बता, तुझे ये खजाना किसने दिया? वरना तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बताता हूँ भैया, पहले मेरा गृहबान तो छोड़िए, ये खजाना मुझे पेड़ के पास रहने वाली एक नागराज ने दिया है। सुमेर लालच में आ गया था, वह अपनी पत्नी के साथ उस पेड़ के पास जाता है। अर्जुन तो बेवकूफ है, उसने तो सिर्फ एक ही घड़ा असरपियों का लिया और हम ये सारी बोरी भर के लेके आएंगे, एक भी असरपी वहाँ पर नहीं छोड़नी है। अब हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम चिंता मत करो, मैं सारी बोरियां भर लूंगी, बस हम खजाने तक पहुँच जाए। कौन हो तुम दोनों, यहाँ क्यों आए हो? हमें यह खजाना मिला है, हम उस खजाने को लेने आए हैं। तुम सामने से हटो वरना तुम्हारे दो टुकड़े करके रख दूंगा। हाँ, तुम दोनों लालची पति पत्नी मेरा यहाँ खजाना लेने आए हो, देखता हूँ कैसे लेकर जाते हो और मुझे मारोगे। तुम दोनों जाओ उस गड्ढे में और हमेशा के लिए दफन हो जाओ। तुम जैसे लालची और स्वार्थी व्यक्तियों की इस धरती पे कोई जगह नहीं है। तभी अर्जुन और लता वहाँ आ जाते हैं। नहीं नागराज, इन्हें क्षमा कर दीजिए, ये मेरे बड़े भैया भाभी हैं और माता पिता के समान हैं, ये जैसे भी हैं इन्हें माफ कर दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। हाँ नागराज, भैया भाभी को माफ कर दीजिए, इनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। देखा तुमने इन दोनों के साथ कितना गलत व्यवहार किया, लेकिन फिर भी ये तुम दोनों की जान बचाने के लिए यहाँ तक आए। आज के बाद तुमने अर्जुन और लता को सताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुमेर और मधु अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा थे। उस दिन के बाद से अर्जुन और लता की जिंदगी में भी खुशियां आ जाती हैं और सुमेर ने भी अर्जुन को परेशान करना बंद कर दिया था।